हेलो दोस्तों, वेलकम टिप्स ऑफ डे। तो दोस्तों, मैं सिंपल सा ट्यूटोरियल कैड मॉडल का बना रहा हूँ, फिक्चर बना रहा हूँ सीएनसी का। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, उसका लिंक इसमें डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट में क्लिक करके। तो मैं पहले राइट प्लेन सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद हम एक सर्कल लगा लेंगे। सर्कल लगाने के बाद मैं एक हैक्स पॉलीगन को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद इसको मैं एक हॉरिजेंटल करके और इसको जो डायमीटर है वो मैं रख दूंगा 136.6, और इसका मैं रख दूंगा 22.1। और अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। तो जो ये फिक्चर है, इसी को हम दो पार्ट में पहले करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको काउंटर में सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं 50 mm कर दूंगा, 50 mm इसकी हाइट कर देंगे, ठीक है। ओके, अभी हैक्स वाला पार्ट रह गया। अब उसको करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रूडेड, फिर यहाँ से काउंटर सेलेक्ट करके क्लियर सेक्शन हैक्स वाला सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। हैक्स सेलेक्ट किया और इस तरफ से इसको 14 mm इस तरफ कर देना, ठीक है। ओके, अब इधर होने के बाद हम इसको करेंगे, इसको सेंटर पे अभी एक्सट्रूड कट करना है। अभी हमें इसको करने के लिए पहले हम इस पर एक होल वो बनाएंगे, बेस एक्सट्रूड रिवॉल्व करेंगे, जिससे हम इसको हाफ टू हाफ सेंटर में काट सकें। तो अभी हम यहाँ पे करने इसको करने के लिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, प्लेन एक प्लेन सेलेक्ट करूँगा। तो अगला जो मैं प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं करूँगा टॉप प्लेन, ठीक है। तो टॉप ये राइट वाला हमारा ये, एक बार मैं देख लेता हूँ, राइट, ठीक है। ओके, तो ये हमें मैं राइट में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई चक्कर नहीं है, राइट में हमें करने के लिए क्या करना है। तो अभी जो ध्यान रखना है मुझे, ये फ्लैट मेरा टच होना चाहिए और ये दो कॉर्नर की सपोर्ट होनी चाहिए। तो मैं राइट प्लेन में ही वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन लूँगा और मैं बिल्कुल इसके मिड तक, यहाँ तक ले जाऊँगा, यहाँ तक ही लेके जाऊँगा इसको, पूरा 50 नहीं करूँगा। और ये यहाँ तक हाफ पॉइंट रखना है इसको, मुझे इसके मुझे हेड के सेंटर तक रखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो मैं इसको इस पॉइंट से अगर मेजर करूँगा, जहाँ तक मैं रखूँगा इसको, मुझे ये यहाँ से चाहिए 7 mm, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये 7 ही है, ठीक है। और हम इसका जो डायमीटर है वो रख देते हैं 30। ओके, उसके बाद हम इसको करेंगे एक्सट्रूड बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाने के बाद, सॉरी एक्सट्रूड नहीं, हम इसको करेंगे रिवॉल्व। तो मैं इसको सिलेक्ट करके, तो एक्सिस पॉइंट मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा, यहाँ पे छोड़ दूँगा ऐसे, ठीक है। ओके, अभी आप देख सकते हो ये पूरा इसमें फिटेड है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे मर्ज नहीं करना, आप मर्ज नहीं करोगे, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा कर दूँ, थोड़ा सा इसको मैं 50-60 तक ले जाता हूँ। ओके, फाइव एग्जिट। तो अभी हमें क्या करना है इसमें, अभी हमें इसको सबट्रैक्ट करना है। कंबाइन में जाने के बाद मेन बॉडी हमारी ये रहेगी और सबट्रैक्ट वाला पार्ट हमारा ये रहेगा। ओके, तो हमारा ये सबट्रैक्ट हो चुका है, अभी हम इसको रिमूव करेंगे। अभी हमारा जो वर्क पीस है पूरा मिडल में है, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, स्केच कीप नॉर्मल, और यहाँ से मैं एक लाइन लूँगा, ये वाली पॉइंट से ही मैं लाइन लेनी मुझे हमें, ठीक है, इसी पॉइंट से। ओके,
इस पॉइंट पर जाने के बाद हम इसको सर्कल को क्लिक करके हम करेंगे कन्वर्ट, उसके बाद ट्रिम एंटिटी, ठीक है ओके। उसके बाद हम करेंगे एक्सट्रूडेड कट, तो यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कट के लिए यहाँ पे करूँगा यहाँ तक अप टू सरफेस ओके। तो देखिए अभी ये हमारे वर्क पीस पूरा कट चुका है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे रेडियस लगाना है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे जहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे ये वाले रेडियस, यहाँ पे मैं 2 mm का रेडियस लगा दूँगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो एजेस शार्प ना रहे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने रेडियस लगा दिया, ठीक है। अभी हमें बोल्ट का यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे जो बोल्ट की नुक्कर ना लगे, हेड होता है ना उसका, स्टेप ना लगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक पॉइंट और कट करेंगे, और इसका जो अगला वीडियो होगा मैं वो आपको डालूँगा। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा फ्रंट प्लेन, यहाँ पे करूँगा मैं स्केच नॉर्मल फॉर्मल, सॉरी हमारा प्लेन सिलेक्ट नहीं हुआ, स्केच नॉर्मल ओके। तो यहाँ पे मैं अभी एक ये सिलेक्ट करूँगा कॉर्नर, इसको मैं इस पॉइंट से सिलेक्ट करने के, सेंटर वाला नहीं, हमें करना है कॉर्नर सर्कल रेक्टेंगल यहाँ पे और यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी जो डिस्टेंस है उसका रखेंगे 3 mm, और इसका जो हम रखेंगे इसको हम रख देंगे 32, ठीक है 32। और इसको अभी हम मिडल में कर देंगे, यहाँ से इसका पॉइंट उठाएंगे, इसको क्लिक होल्ड शिफ्ट और ओरिजिन पॉइंट मेक हॉरिजेंटल वर्टिकल, सॉरी मेक वर्टिकल कर दिया, तो ये यहाँ पर आ गया। तो अभी हम ये हमारा पूरा विथ में पूरी नहीं बन रही, इसलिए हमें यहाँ पे कर देना है 40 ओके फाइन। अभी देखोगे आप ये ओवरलैप हो चुका है इसके, अभी हम इसको एक्सट्रूडेड कट करेंगे। ओहो यहाँ पे एक्सट्रूड कट, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको 70 ओके। तो अभी देख सकते हो जी बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं हल्का सा फिलेट 0.5 की लगाऊंगा इस एजेस पर, ये वाले एजेस हैं, ठीक है ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा कंपोनेंट बिल्कुल तैयार है। इसमें जो हमने बोल्ट फिट किया था, ये हमें यहाँ पे बोल्ट लगाया था जिसके हेड में हमें होल करना था, तो अभी आप देख सकते हो जो बोल्ट वाला है उसका ये यहाँ पे प्रोफाइल शो हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमें एक हेड में सीएनसी के लिए, यहाँ से अब हम इस तरफ इस पॉइंट से पकड़ के इसको बोल्ट को सेंटर से चला के और इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 2 क्लंप आ जाएंगे इस पॉइंट पे, वो उसके लिए हम यहाँ पे होल भी लगाने हैं। हमें होल लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करेंगे ओके, 2 सर्कल लगाएंगे हम सेम एक डायरेक्शन में ओके। अभी हम यहाँ पे इसका और इसका ओरिजिन पॉइंट रखेंगे 20 mm रख देते हैं, ठीक है। और हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को होल्ड करके करना है मेक हॉरिजेंटल ओके, हॉरिजेंटल हो चुका। अभी हम इसको और इसको करना है मेक इक्वल, और हमें इसे डायमेंशन देंगे 8.6 mm ओके। अब हम दोनों को एक्सट्रूडेड कट कर देंगे ओके, तो हमें यहाँ पे 40 तक ले जाते हैं ओके एक्सट्रूडेड कट से। और यहाँ पे हम एक फिलेट भी लगा देते हैं, बोर पे हम लगा देंगे 2 mm की फिलेट अच्छा। फिलेट भी लग चुकी है, यहाँ पे हमारा क्लंप आ जाएगा और यहाँ पे हमारा वर्क पीस आ जाएगा। और अगला वीडियो होगा इसकी डाई कैसे बनाई थी वर्कएंसी में, मैं उसका प्रोग्राम जनरेट करके आपको बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड करें एंड शेयर करें, थैंक यू।